हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? तो अभी सुबह का टाइम है तो मैं चाय बना रही हूँ। तो एक तरफ मैंने पानी रख दिया है गर्म, तो दूध डाल देती हूँ। दूध में थोड़ा सा मलाई है तो इसलिए मैं छान के डाला है। तो अब इसको मैं थोड़ा गैस को उस तरफ चेंज कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ जलता है बड़ा, और ये थोड़ा छोटा, तो इसलिए उसमें मैंने चाउमीन बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो चाउमीन भी बॉईल होता रहेगा और मेरी चाय भी बन गई है। तो चाय को मैंने छान दिया है और चाउमीन भी अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो तब तक मैं जूस बना देती हूँ, एक संतरे और अनार का, जो मेघा और आकाश के लिए। वर्षा तो नहीं पीती है, उसको कितना जोर दिया पर वो नहीं पीती है, तो इसलिए इन दोनों के लिए बना देती हूँ मैं। अभी ये भी नहीं है, अगर ये होते तो ये भी पीते हैं जूस, पर अभी ये अंदर है तो अभी ये दोनों के लिए बना रही हूँ मैं। और ये मेरा चाउमीन भी अच्छे से पक गया है, तो पहले मैं ये जूस बना के रख देती हूँ। और ये चाउमीन भी मेरा उबल गया है तो इसको मैं ठंडे पानी से धो दिया है और इसको छान के रख दिया है। तो अब मैं कढ़ाई भी रख दिया, इसमें तेल डाल रही हूँ। और जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने प्याज डाल दिया है और एक मैंने हरी मिर्च काटी थी उसको भी मैंने डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा लाल होने तक फ्राई करूँगी, उसके बाद अब इसमें मैं डालूँगी चाउमीन। ये जो चाउमीन है बॉईल करके रखा है तो इसको इसमें डाल देते हैं। ये चाउमीन सिर्फ वर्षा और मेघा के लिए, क्योंकि आकाश और मैं नहीं खाएंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल दिया है, आप थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डालेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा सिरका डालेंगे जिससे थोड़ा सा खट्टा हो जाए। और इसके बाद सोया सॉस थोड़ा सा डालूंगी और इसको थोड़ी देर पकाना है, अच्छे से भूनना है इसको। और ये भून गया है तो अब इसको भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी जो मैंने धनिया काट के रखा है, तो उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो हमारा हो गया है रेडी चाउमीन। तो इसको बस थोड़ी देर और 2 मिनट जितना इसको अच्छे से इसको भून लेना है। और बस ये हो गया हमारा चाउमीन रेडी। तो अब मैं ये चाउमीन दे देती हूँ वर्षा और मेघा को। तो अब ये दोनों को दे रही हूँ मैं, इनको काफ़ी पसंद है ये चाउमीन, तो आज मैंने सोचा तो इनकी पसंद की बनाया जाए। चाउमीन मैंने दोनों को दे दिया है। तो अब मैं जूस को छान लेती हूँ छानी में, और थोड़ा सा ये मेघा को दे दिया है और थोड़ा सा आकाश के लिए रखा है। और उसके लिए मैंने ब्रेड गरम किए है, तो ये ब्रेड, अंडा और ये जूस मैं आकाश को दे देती हूँ। तो चलिए नाश्ता खाते हैं। दोनों ने तो चाउमीन खाया और आकाश और मैंने ब्रेड और अंडा खा रहे हैं, क्योंकि चाउमीन मुझे भी इतना पसंद नहीं है और आकाश तो बिल्कुल नहीं खाता, कभी कभार खा लेता, वैसे खाता नहीं। तो चलो खाते हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है तो अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद मेरी जो मशीन है सिलाई की मशीन, वो थोड़ा पता नहीं क्यों चल नहीं रहा, उसका कुछ एक सामान जो है टूट गया है तो इस वजह से वो चल नहीं रहा। फिर भी मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि कुछ जुगाड़ करके अगर चल जाए, क्योंकि मैं अपने कपड़े वगैरह मैं खुद ही सिलती हूँ, तो अभी काफ़ी कपड़े पड़े हैं तो सिलने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं मशीन खोल के देखती हूँ, अगर हो पाएगा तो ठीक करूँगी, नहीं तो फिर मशीन वाले को ही बुलाना पड़ेगा। क्या खराबी है ज़रा जाकर देखती हूँ। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि मैं जैसे नाम भी ले रही हूँ तो और जने नाराज़ हो रहे हैं जिनका नहीं ले रही हूँ, तो अभी एक ही साथ में इतना नाम ले भी नहीं पा रही हूँ। और जैसे कितने लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप नाम ले रहे हो तो आपका आधा ब्लॉक उसी में जा रहा है, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हफ्ते में एक बार एक क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ बनाऊंगी जिसमें मैं सबका नाम भी ले सकूं और उनका जो कुछ सवाल है वो भी जवाब दे सकूं, और उनका पूरा नाम, उनके जगह का नाम, उनका सवाल पूरा मैं जवाब दूंगी। तो मैं हफ्ते में एक बार बनाऊंगी
Q&A, उसमें आप लोग कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं मशीन क्या है। तो आइए देखते हैं मशीन मेरी। काफ़ी दिन से मैंने ट्राई भी किया है, पर मैंने कहा चलो आज एक बार फिर से देखती हूँ। तो ये मशीन मैंने खोल दिया है। कल मैं इसमें तेल पूरा डाल के रखा हुआ था मशीन में, और आज फिर एक बार देख रही हूँ खोल के, अगर ये ठीक होता है तो। क्योंकि काफ़ी मेरे कपड़े भी ऐसे हैं सिलने के लिए, और भी बहुत काम है इसका, ये टूटा हुआ है। तो अगर ये देखती हूँ जुगाड़ से होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, मशीन वाले को बुलाना पड़ेगा। तो देखती हूँ होता है कि नहीं, तो देखती हूँ थोड़ा तेल डालकर, और अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर इसको 2 घंटे के लिए धूप में रखूँगी। क्योंकि जब देहरादून से ये आया तो मुझे लगता है आते हुए ये थोड़ा इधर उधर फेंका कि उन्होंने क्या हुआ कि इस वजह से ये ख़राब हो गया। क्योंकि वहाँ पे तो मैं अच्छे से, ये मशीन एकदम हल्का चलता था और इतना अच्छे से चलता था, और जब से देहरादून से लाए हैं तो ये अच्छे से चल नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद आते हुए दूर के सफ़र में कुछ कहीं रास्ते में उछाल उससे ख़राब हो गई क्या है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी तो इसमें थोड़ा तेल डालकर मैं इसको 2 घंटे के लिए धूप में सुखा देती हूँ, क्योंकि अभी भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो मैंने धूप में रख दिया है सूखने के लिए थोड़ी देर, 2 घंटे रख दिया था। तो अब ये मशीन को मैं नीचे ले जा रही हूँ, तो इसको ले जाकर फिट कर देखते हैं। अगर ठीक हो गया है तो बहुत खुशी लगेगी मेरे को, अगर फिर भी इतना मेहनत मेरा अगर ठीक नहीं हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। और मैं ये आगे का भी मैं खोल के साफ़ कर रही हूँ, और इसमें तेल डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा जाम भी है। तो थोड़ा तेल भी मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, तो अब थोड़ा चलाने में थोड़ा हल्का भी लग रहा है। तो देखते हैं ये सील कर, तो मेरा मेहनत सफल हो गया। देखिए ये अच्छे से सिल गया है। हेलो, कैसे हो आप लोग? मैं आ गई हूँ ये नाम लेने के लिए। पहला नाम लेते हैं, ये है सम्राट करकर, ये नेपाल से है। ये मेरा बेटा है, जो हमारे देवर हैं, रिश्ते में लगते हैं, उनका बेटा है। तो ये हर वीडियो में कमेंट करता है, तो थैंक यू सो मच, आई लव यू बोला है, तो लव यू टू बेटा। पवन करकर, ये महाराष्ट्र से हैं। नाम है आर्यन करकर। इन्होंने भी हर वीडियो में इन्होंने इतना रिक्वेस्ट भेजा है। तो आर्यन करकर है, ये है नागपुर से, आपका नाम ले लिया है। अगला नाम है प्रियंश करकर, ये है देहरादून बंजरवाला से, जो हमारे घर के पास में ही है। अगला नाम है सहबाज, ये है कटार से, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, थैंक यू सो मच। अगला नाम है अलीभा, और ये है उड़ीसा से। और अगला नाम है सुप्रिया, ये है त्रिपुरा से। स्मृति शर्मा, ये है सिलीगुड़ी से। अगला नाम है पीसा करकर, ये है अरुणाचल प्रदेश से। अगला नाम है संचिता, इन्होंने जगह का नाम नहीं बोला, इनका भी काफ़ी रिक्वेस्ट आया था, तो आपका नाम ले लिया है मैंने। और अगला नाम है श्रेयंशु करकर, ये भी देहरादून से है। अधिकांशा, ये भी कालिम्पोंग से है, तो इन्होंने भी काफ़ी बोला था, नाम नहीं लिया बोलकर, तो इनका नाम ले लिया है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो एक बात और मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैंने आप सोचा है कि मैं हर दिन नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसे में जिनका भी छूट गया है तो एक Q&A बनाऊँगी, उसमें आप जो भी सवाल पूछोगे उसका जवाब दूँगी, आपका नाम बताऊँगी, आपका जगह का नाम सब बताऊँगी। मैं हफ्ते में एक वीडियो पक्का उसका Q&A का डालूँगी, जिसमें आपका नाम पूरा वीडियो उसका वक्त आ रहा है, कि बोल रहे हैं कि आप जैसे नाम ले रहे तो आपका आधा वीडियो उसी में जा रहा है। तो काफ़ी मतलब शिकायत कर रहे हैं वो लोग, तो इस वजह से, नहीं तो मुझे नाम लेने में तो कोई परेशानी नहीं था। पर अब यही है कि आप फैमिली, जो यूट्यूब फैमिली, उनकी जो राय है उनका भी सुनना ज़रूरी है। मैं वीडियो में पेंडिंग करती हूँ, और आप लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट आया है कि मतलब चैलेंजर वीडियो बनाओ बोलकर,
बोला है तो वो भी मैं बनाऊंगी। एक क्वेश्चन काफ़ी आया था कि ओरियो कहाँ पर है आपका, तो ओरियो हमने पहले भी बताया है, मेरे बेटे ने यूट्यूब में भी उसने डाला था वीडियो, क्योंकि जैसे हम उसको यहाँ पर लेके आए तो हमें इतना पता नहीं था कि यहाँ का रूल मतलब ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देंगे। तो उसको जैसे 50 दिन में और 50 दिन के बाद 1.5 महीने ऐसे ऐसे उसको इंजेक्शन वगैरह लगना था, उसको हर चीज़ का था, तो इस वजह से हमने उसको यहाँ से 2-2.5 घंटा लगता दूर, तो कोई हमारे रिलेटिव है उनके घर में हमने रखा हुआ है। तो अभी के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, जितना भी आपका क्वेश्चन है मैंने उसका आंसर दे दिया है, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंडिंग करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, तो बाय।